आज हम करेंगे बैक एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर नंबर 2 जो एनसीईआरटी में है, एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज पांडास डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1, राइट। सो इसमें हमने पढ़ा कि सीरीज कैसे बनाते हैं, डेटा फ्रेम्स कैसे बनाते हैं, व्हाट आर द ऑपरेशंस व्हिच यू परफॉर्म ऑन सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स, एंड नाउ इट्स द टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स जो आपने सीखे हैं। सो एनसीईआरटी इसीलिए कहा जाता है कि उसमें से कई क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर में आ जाते हैं, सो वी शुड ऑलवेज डू द एग्जाम्पल्स गिवन इन एनसीईआरटी, वी शुड ऑलवेज सॉल्व द बैक एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि वो हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट होती है फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर योर सीयूईटी एग्जाम। तो अगर आप बाद में सीयूईटी देने वाले हो तो भी एनसीईआरटी को कवर करना बहुत ही जरूरी होता है, अलॉन्ग विद एनी अदर रेफरेंस बुक और रेफरेंस नोट वट एवर यू आर फॉलोइंग, राइट। सो हम ये एक्सरसाइज अभी सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सीरीज एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ 1D एरे, अ लिस्ट एंड अ डिक्शनरी, ठीक है। तो सीरीज क्या है, इट्स अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। तो आप इसमें अपनी डेफिनेशन लिख दोगे कि सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास। डिफरेंट कैसे है, देखो लिस्ट से ऐसे डिफरेंट है कि लिस्ट कैन हैव हेट्रोजीनियस वैल्यूज, मतलब अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज लिस्ट में हो सकती हैं, सेम डिक्शनरी में भी अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन सीरीज जो है वो होमोजीनियस होती है, इसमें सारी वैल्यूज सेम डेटा टाइप की होती है। एरेज आर होमोजीनियस, तो वो तो सिमिलैरिटी हो गई, ठीक है। तो आपके पास सीरीज जो है वो होमोजीनियस है, दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स हैव टू बी ऑफ सेम डेटा टाइप, एंड सो एज वी हैव इट इन नंपाई एरेज, लेकिन लिस्ट और डिक्शनरी हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। देन सीरीज जो है उसमें हमारे पास पोजिशनल इंडेक्स भी होते हैं एज वेल एज हम लेबल्ड इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, जबकि एरे में सिर्फ पोजिशनल इंडेक्स होते हैं, लिस्ट में भी सिर्फ पोजिशनल इंडेक्स होते हैं, डिक्शनरी में इंडेक्स ही नहीं होता, कीज होती है। सो वहां पर आपकी जो वैल्यूज है वो कीज के थ्रू आइडेंटिफाई करी जाती है, राइट, वो आप डिफरेंस बता सकते हो। फिर एक डिफरेंस आ जाता है लिस्ट में कि अगर आपके पास एक लिस्ट है, अब देखो इस पे ऐसा कभी इतना बड़ा थ्योरी क्वेश्चन तो आता नहीं है, राइट। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 876 और मैंने यहाँ पर कर दिया ए मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 876, फिर से 876, फिर से 876, क्योंकि ये जो स्टार साइन है ये लिस्ट के साथ रेप्लिकेशन का काम करता है, रेप्लिकेशन मतलब रेपिटेशन, तो आपकी सेम रोज हैं वो, मतलब जो सेम एलिमेंट्स हैं लिस्ट के वो उतनी बार रिपीट हो जाते हैं, तो ए इंटू 3 किया है तो आपके ए के एलिमेंट्स 3 बार आ जाएंगे, लेकिन अगर यही इसकी हमने सीरीज बना दी होती है S1 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज ए, या फिर इसका NumPy एरे बना दिया होता और आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करते, तो ऐसा नहीं होता, उसमें वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करता, तो 0 पोजीशन पे 8 इंटू 3 24 आ जाता, 1 पोजीशन पे 21 आ जाता, 2 पोजीशन पे 18 और फिर आपका डी टाइप आता इंट 64। बाय डिफॉल्ट इंट जो डेटा टाइप जो है वो इंट 64 ही होता है, हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग, राइट। सो ये इसका आप आंसर दे सकते हैं। अब इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे को पेपर में नहीं आ सकता क्योंकि हमें 2 नंबर से ऊपर का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है थ्योरी में, तो आपको या तो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं या 2 मार्क के, और अगर आपको कुछ कोड आता है सीरीज या डेटा फ्रेम पे लिखने के लिए भी, तो उसके पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स फिर फर्दर एक एक दो दो नंबर के होते हैं, तो एग्जैक्टली कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता जो 3, 4, या 5 नंबर का आ सके। जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें भी सब पार्ट्स होते हैं, जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें भी सब पार्ट्स होते हैं, सो वी ऑलवेज गेट सब पार्ट्स इन योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो चीज है ये बहुत बार पूछी जाती है, ये रेप्लिकेशन वाली, ये जो लिस्ट है वो रेप्लिकेट हो जाती है, लेकिन सीरीज जो है वो इंडिविजुअल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये डिफरेंसेस को आप अपने लैंग्वेज में अपने एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। देन है, व्हाट इज अ डेटा फ्रेम एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ 2D एरे। सो डेटा फ्रेम क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, अगेन 2D एरे हमारे पास NumPy में होते हैं, तो फर्क क्या है कि NumPy में होमोजीनियस डेटा होता है, सो NumPy स्टोर्स योर डेटा विच इज होमोजीनियस। सो अगर इंटेजर्स का 2D एरे है तो सारे के सारे इंटेजर्स ही होंगे, फ्लोट्स का है तो सारे के सारे फ्लोट्स ही होंगे, इसमें डेटा फ्रेम में आपके पास हर कॉलम का अलग डेटा टाइप हो सकता है, सो एवरी कॉलम कैन हैव अ सेपरेट डेटा टाइप, ठीक है। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन द 2, डेटा फ्रेम पांडास लाइब्रेरी में है, 2D एरे NumPy लाइब्रेरी में है, ठीक है। How are data frame related to series? So one data frame is a collection of multiple series. Every column of a data frame represents a
सीरीज, ठीक है? तो आप इसमें एक एग्जाम्पल दिखा सकते हो डेटा फ्रेम को, और फिर दिखा सकते हैं हम कि जो हर कॉलम है, एवरी कॉलम, ठीक है, एवरी कॉलम रिप्रेजेंट्स वन सीरीज इन अ डेटा फ्रेम. तो अगर आपके पास है एक स्टूडेंट का डेटा फ्रेम जिसमें कॉलम है एडमिशन नंबर, नेम, और यहाँ पर आपके पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, तो आप इसको ऐसे एग्जाम्पल में लिख के दिखा सकते हो. सो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज योर डेटा फ्रेम, जिस एडमिशन नंबर और नेम, ठीक है? फिर वो आपसे पूछ लेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइज ऑफ सीरीज इन अ डेटा फ्रेम. देखो, साइज ऑफ अ सीरीज क्या होता है कि उसमें एलिमेंट्स कितने हैं. साइज ऑफ अ डेटा फ्रेम भी यही है कि उसमें एलिमेंट्स कितने हैं. तो साइज ऑफ अ सीरीज के केस में हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जैसे अगर इसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स थे तो उसका साइज 3 आ जाएगा. और डेटा फ्रेम के केस में साइज होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. लाइक इसके अंदर 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका साइज 6 हो जाएगा. सो डेटा फ्रेम का साइज होता है नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज इन द डेटा फ्रेम. सीरीज का होता है सीरीज में, पर सीरीज का तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि 3 वैल्यूज हैं तो वो आंसर हो गया. यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, वो जो आएगा दैट विल बी द साइज ऑफ योर डेटा फ्रेम. क्लियर? सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. इट सेज क्रिएट द फॉलोइंग सीरीज एंड डू द ऑपरेशंस. ठीक है, पहला कहा है इंग्लिश अल्फा करके सीरीज बनानी है, हैविंग 26 अल्फाबेट्स एज वैल्यूज एंड डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज. ठीक है, सो डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज देनी है, ठीक है, कुछ खास नहीं करना है. तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी. कुछ भी कोड करना है पांडास को तो इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा. सो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, देन आई विल टेक ईएनजी एएल पीएच इज इक्वल टू PD dot series. So PD dot series हमने यहाँ पर कर लिया. और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एज ए लिस्ट सारे के सारे अल्फाबेट्स देने हैं. ठीक है, सो यू हैव टू गिव ऑल दी अल्फाबेट्स ओवर हियर. सो हम यहाँ पर लेंगे ए बी इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि वो राउंड ब्रैकेट तो सीरीज की है. और उसके बाद आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है लिस्ट के लिए, एंड देन गिव ऑल द अल्फाबेट्स जो आपके हैं 21, 26 अल्फाबेट्स, वो लिखने ही पड़ेंगे आपको. सो यू विल कीप राइटिंग इट लाइक दिस. और इंडेक्स के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है इंडेक्स 0, 1, 2 होगा. और यहाँ पे कहा भी है कि डिफॉल्ट इंडेक्स ले लीजिए. सो पीडी डॉट सीरीज, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स में ए कॉमा सिंगल कोट्स में बी कॉमा सिंगल कोट्स में सी. अगर सिंगल या डबल कोट्स नहीं लगाए तो वहां भी एरर आ जाएगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू पुट इट इन सिंगल और डबल कोट्स, राइट? देन वॉवल्स हैविंग 5 एलिमेंट्स विद इंडेक्स लेबल ए आई ओ यू एंड ऑल द 5 वैल्यूज सेट टू 0, चेक इफ इट इज एन एम्प्टी सीरीज. आपको कहा है कि एक सीरीज बनाओ जिसमें 5 एलिमेंट्स हो, एलिमेंट्स की वैल्यू 0 चाहिए, लेकिन उनके जो इंडेक्स हैं वो ए आई ओ यू हो, और चेक करो कि क्या वो सीरीज एम्प्टी है या नहीं. तो आप वो कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप लिख सकते हो वॉवल्स इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज. तो जब हमें पांचों जगह पर सेम ही वैल्यू चाहिए तो उसका क्या मतलब हो गया कि आप स्केलर वैल्यू से सीरीज क्रिएट कर रहे हो. तो स्केलर वैल्यू से सीरीज क्रिएट कर रहे हो तो वो स्केलर वैल्यू क्या हो गई, 0. तो अगर हम यहाँ 20 लिखते तो पांचों जगह पे 20 आ जाता, मैंने यहाँ 0 लिख दिया. और फिर मैंने यहां पर लिख दिया इंडेक्स इज इक्वल टू, सो कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड देन ब्रैकेट क्लोज. और फिर ये भी बोला है कि चेक करो कि वो एम्प्टी है या नहीं. सो प्रिंट वॉवल्स डॉट एम्प्टी. सो वी हैव एन एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज. सीरीज का हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम ही क्या है, एम्प्टी. सो अगर वो सीरीज एम्प्टी हुई तो वो ट्रू देगा, और अगर वो सीरीज एम्प्टी नहीं हुई तो वो आपको फॉल्स देगा. सो सीरीज अगर एम्प्टी हुई तो ट्रू आएगा, अगर नहीं हुई तो फॉल्स आएगा. इस एग्जाम्पल में तो फॉल्स ही आएगा क्योंकि 0 एलिमेंट है लेकिन एम्प्टी नहीं है आपकी सीरीज. ठीक है, ओके. देन फ्रेंड्स फ्रॉम अ डिक्शनरी हैविंग रोल नंबर ऑफ 5 ऑफ योर फ्रेंड्स एज डेटा एंड देयर फर्स्ट नेम एज की,
सो डिक्शनरी हैविंग रोल नंबर ऑफ फाइव ऑफ योर फ्रेंड्स एज डेटा. अच्छा, सो नेम आपको लेना है की में और रोल नंबर लेना है डिक्शनरी में, मतलब वैल्यू में. ठीक है, सो नेम इज द की एंड जो रोल नंबर है वो डेटा है. हैविंग रोल नंबर ऑफ फाइव ऑफ योर फ्रेंड्स एज डेटा. सो इसका रोल नंबर है 12. देन आई हैव लेट्स से नेम राहुल, रोल नंबर है 25. देन आई हैव करण, रोल नंबर है 18. श्रिया, रोल नंबर है 28. जेब, रोल नंबर इज 32. एंड डिक्शनरी बंद हो गई. और उसके बाद आप अपनी सीरीज क्रिएट कर सकते हो. S1 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज D. तो इसमें क्या होगा कि ये जो नेम है, जो कीज थी, वो सब इंडेक्स बन जाएंगी और जो डेटा था वो आपकी सीरीज की वैल्यूज बन जाएंगी. सो दैट विल बिकम वैल्यूज और जो कीज हैं वो आपके इंडेक्स बन जाएंगे. ठीक है, अब डी में आपको बोला है कि एक बनाओ एम्प्टी सीरीज जो कि एम्प्टी हो. एम्प्टी सीरीज बनाने के लिए क्या करते हैं हम लिखेंगे एम्प्टी सीरीज जो उन्होंने नाम दिया है इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज और आगे खाली ब्रैकेट छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं देंगे ब्रैकेट में. सो डॉट सीरीज लिख के एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ दी, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं दिया. तो एम्प्टी सीरीज इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज. ऐसा लिखने से आपकी जो सीरीज है वो बिल्कुल ब्लैंक होगी और चेक करने के लिए आपको सिर्फ उसको प्रिंट ही कराना है. तो जैसे ऊपर कराया था वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं एम्प्टी सीरीज डॉट एम्प्टी, लेकिन इस बार वो ट्रू प्रिंट करेगा. इसके आगे प्रिंट भी लिख देंगे. सो इस बार वो प्रिंट करेगा ट्रू क्योंकि इस बार आपकी सीरीज एम्प्टी है. देन मंथ डेज फ्रॉम अ नंपाई एरे हैविंग द नंबर ऑफ डेज इन द 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर. द लेबल्स शुड बी मंथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 12. तो लेबल्स जो है, जो इंडेक्स है आपको वो देना है 1 to 12. तो पहले आपको numpy array बनाना पड़ेगा इसमें. सो सबसे पहले तो आप import numpy भी कर लोगे अब. ठीक है, फिर आप एरे बनाने के लिए आपने लिया m इज इक्वल टू np डॉट एरे. अब इसमें कोई फिक्स वैल्यूज तो है नहीं, तो हमें ऐसे देना पड़ेगा 31, फिर 28, फिर 31, फिर 30, फिर से 31, 1, 2, 3, 4, 5, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो ये आपका एरे क्रिएट हो गया. इसी को यूज करके आप सीरीज बना लोगे. तो सीरीज का नाम है मंथ डेज. सो हम यहाँ पर लिख देंगे मंथ डेज इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज m कॉमा. m तो हो गया आपका डेटा में, और इंडेक्स में मैं यहाँ दे दूंगी रेंज. रेंज क्या दूंगी? 1, 13. सो 1, 13 रेंज जो फंक्शन है जो लूप्स के साथ यूज होता है. तो रेंज का मतलब क्या है कि 1 से शुरू करेगा और 1, 13 का मतलब है कि जो अपर इंडेक्स होता है उसको तो वो लेता नहीं है. सो रेंज 1, 13 मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, देन इट विल बी 2, 3, 4, 5, 6 ऑन अप टू 12. और 12 के आगे वो पिक नहीं करेगा, इट विल स्टॉप ओवर देयर. और उसके बाद हम उसको प्रिंट कराकर देख सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ numpy array first और फिर उससे आप सीरीज बना सकते हो. और इस तरह से आप अपना इंडेक्स भी डिफाइन कर सकते हो. आपको 12 वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है. सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. यूजिंग द सीरीज क्रिएटेड इन क्वेश्चन 5, राइट द कमांड फॉर द फॉलोइंग. सेट ऑल द वैल्यूज ऑफ वोवल्स टू 10 एंड डिस्प्ले द सीरीज. तो वो क्या कह रहा है कि जो वोवल्स वाली वैल्यूज हैं उसको सेट कर दो एंड डिस्प्ले द सीरीज. अच्छा, तो उसमें 0 था ना. आपकी जो सेकेंड वाली सीरीज थी उसका नाम वोवल्स था और वो हमने जो क्रिएट की थी वो ये थी कि आपके पास AEIOU पूरी सीरीज में 0000 है. अब वो कह रहा है कि पूरी सीरीज में आप 10 पुट कर दो. तो आपकी सीरीज का नाम है वोवल्स. ठीक है, आप वोवल्स को स्लाइसिंग से भी चेंज कर सकते हो. आप यहाँ पे लिख सकते हो वोवल्स कोलन इज इक्वल टू 10. सो ऐसा लिखने से क्या होगा कि इसका मतलब है कि वोवल में जितने भी इंडेक्स हैं सबके ऊपर 10 पुट कर दो. अदरवाइज मुझे एक एक को चेंज करना पड़ता है, मैं को लिखना पड़ता कुछ ऐसे कि वोवल्स ए इज इक्वल टू 10, है ना. सो वोवल्स बी
इज इक्वल टू 10। अगर आप ऐसे भी लिखोगे सही तो ये भी होगा, पर आपको ये 5 बार लिखना पड़ेगा। सिंगल स्टेटमेंट से करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, वोवल्स कोलन, कोलन मतलब कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट सीरीज में क्या पुट करना है, 10 पुट करना है। सो इससे सारी जगह पर ही ये चेंज होकर 10 10 10 हो जाएगा। सो इट विल चेंज टू 10। देन इट सेइंग डिवाइड ऑल द वैल्यूज ऑफ वोवल्स बाय 2 एंड डिस्प्ले द सीरीज। तो ये सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ क्या लिखना है, वोवल्स डिवाइड इक्वल टू 2, और फिर आप यहाँ पर प्रिंट वोवल्स करवा दो। सो डिवाइड इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि पहले वोवल्स को 2 से डिवाइड करो, जो आएगा उसको वापस वोवल्स में स्टोर करा देंगे। तो वोवल्स को हमने 2 से डिवाइड किया, जो भी रिजल्ट आया वो वापस वोवल्स में स्टोर हो गया और उसको हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। और सीरीज पे ये ऑपरेशंस डायरेक्टली परफॉर्म हो सकते हैं। क्रिएट अनदर सीरीज वोवल्स 1 हैविंग 5 एलिमेंट्स विद इंडेक्स लेबल्स ए ई आई ओ यू हैविंग वैल्यूज 2, 5, 6, 3, 8 रेस्पेक्टिवली। तो अब आपको एक और क्रिएट करनी है सीरीज जिसमें ए ई आई ओ यू इंडेक्स हो, मतलब वो सेम वैसे ही होगा। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं वोवल्स 1 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। सो इसमें आपका जो डेटा है वो क्या है, 2, 5, 6, 3, 8 कॉमा, इंडेक्स क्या है वही सेम ए ई आई ओ यू। सो वोवल्स इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज 2, 5, 6, 3, 8 AEIOU, ठीक है। अब ये क्रिएट हो गई। अब कह रहा है कि एड वोवल्स एंड वोवल्स 1 एंड असाइन द रिजल्ट टू वोवल्स 3। तो आपको दोनों को ऐड करके तीसरे में रिजल्ट डालना है, तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो सकता है। वोवल्स 3 को हम लिखेंगे वोवल्स प्लस वोवल्स 1, और जब दो सीरीज ऐड होती है तो जहां पर इंडेक्स सेम होता है वहां पर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो ए और ए आपस में ऐड हो जाएंगे, तो उसमें तो सब जगह 5 5 5 5 ही है 2 से डिवाइड करने के बाद। सो 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 5 11 एंड सो ऑन। वो वैल्यूज जो है वो वोवल 3 में चले जाएंगे। सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वोवल्स बाय वोवल्स 1। सो वोवल्स को वोवल्स 1 से आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। सो हम क्या करेंगे, प्रिंट वोवल्स माइनस वोवल्स 1, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे ही स्टार लगा दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्लैश लगा दोगे तो डिवाइड हो जाएगा, और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को क्या करेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा। ऑल्टर द लेबल्स ऑफ वोवल्स टू कैपिटल अल्फाबेट्स। तो इसमें मैं ये भी लिख सकती हूँ, अगर मुझे इसको कैपिटल अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करना है, सो वोवल्स 1 डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, अच्छा मुझे सबको अपर कराना है ना, तो फिर सीधे यहाँ पर कैपिटल ही दे दो। वी कैन वी डोंट हैव, अगर स्ट्रिंग होता तो हम डायरेक्टली अपर लगा सकते थे, पर यहाँ पर लूप लगाना पड़ेगा तो उससे बेटर है कि वी जस्ट पुट इट लाइक दिस AEIOU, ठीक है। अब वो कह रहा है नेक्स्ट, यूजिंग द सीरीज क्रिएटेड इन क्वेश्चन 5 राइट कमांड फॉर द फॉलोइंग, फाइंड द डायमेंशन साइज एंड वैल्यू ऑफ द सीरीज इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो इसमें से कोई सा भी नाम उठा लो, बेसिकली एट्रीब्यूट तो सबका सेम ही होना है। तो अगर मैं वोवल्स ही पिक करती हूँ तो मैं अगर लिखूंगी वोवल्स डॉट डायमेंशन, सो डायमेंशन के लिए क्या है, एन डिम। सो टू सी द डायमेंशन आपके पास एन डिम एट्रीब्यूट होता है, और सबकी डायमेंशन 1 ही आएगी क्योंकि सीरीज कोई भी हो उसकी डायमेंशन जब हम देखेंगे तो आंसर विल ऑलवेज बी 1। तो सीरीज की डायमेंशन हमेशा 1 ही आती है। फिर आपके पास है साइज, सो आप वोवल्स डॉट साइज लिख सकते हो। साइज बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे इसमें 5 वैल्यूज हैं, अल्फाबेट्स वाली में 26 वैल्यूज थी, फ्रेंड्स वाले में 4 वैल्यूज थी, तो जो भी आपके पास एम्प्टी सीरीज में 0 वैल्यूज थी, मंथ डेज में 12 वैल्यूज थी, तो इसमें साइज की वैल्यू सबकी अलग अलग आएगी बिकॉज दैट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज यू हैव इन दैट पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है। एंड वैल्यूज ऑफ द सीरीज दिखानी है तो वोवल्स डॉट वैल्यूज, वी हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड वैल्यूज, इससे सिर्फ डेटा दिखाई देगा, इंडेक्स नहीं दिखाई देगा, ठीक है। देन रीनेम द सीरीज एम्प्टी सीरीज एज सीरीज एम्प्टी। तो आप क्या कर सकते हो, एम्प्टी सीरीज डॉट नेम इज इक्वल टू सीरीज एम्प्टी। तो इसका जो लॉजिकल नाम है वो चेंज होकर सीरीज एम्प्टी हो जाएगा, वेरिएबल का नाम चेंज नहीं होगा, एक अंदर लॉजिकल नेम होता है वो चेंज हो जाएगा। नेम द इंडेक्स ऑफ द सीरीज मंथ डेज एज वांट टू नो एंड दैट ऑफ सीरीज फ्रेंड्स एज एफ नेम।
नेम द इंडेक्स ऑफ द सीरीज. सो आप यहाँ पर क्या लोगे, मंथ नो इज इक्वल टू मंथ डेज डॉट इंडेक्स. तो उसका जो इंडेक्स है वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, फिर हम उसको प्रिंट कर सकते हैं. ऐसे ही आप सीरीज वाले का, दूसरे वाले का भी कर सकते हो. तुम खाली इंडेक्स फेच करके उस वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं. देन डिस्प्ले द थर्ड एंड सेकेंड वैल्यू ऑफ द सीरीज फ्रेंड्स इन दैट ऑर्डर. थर्ड एंड सेकेंड वैल्यू दिखाना भी इसी ऑर्डर में है. तो फ्रेंड्स का आपको थर्ड एंड फोर्थ दिखाना है. तो स्लाइसिंग करेंगे, थर्ड एंड सेकेंड दिखाना है. सो मैं लिखूंगी 3:1. अब देखो 3:1 की जगह आप इसको 2 भी लिख सकते हो, अगर हम इंडेक्स ही ले रहे हैं तो 2:0:-1. सो इससे क्या होगा, वो इंडेक्स 2 वाला मतलब थर्ड रो को पहले दिखाएगा, फिर वो इंडेक्स 2 मतलब सेकेंड वैल्यू को दिखाएगा, फिर 1 पे नहीं दिखाएगा. हमें क्या चाहिए कि वो 2 इंडेक्स पे दिखाए, 1 इंडेक्स पे दिखाए और फिर 0 इंडेक्स वाले को ना दिखाए. तो ये अपर इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूडेड होता है. तो जो भी आपका इंडेक्स है जिस तक आपने जाना है वो एक्सक्लूडेड है और हम उल्टा जा रहे हैं, तो इसलिए -1 होगा. तो पहले वो दिखाएगा इंडेक्स 2 पे मतलब थर्ड एलिमेंट को, फिर इंडेक्स 1 पे मतलब सेकेंड एलिमेंट को, और फिर 0 पे जाएगा नहीं क्योंकि वो एक्सक्लूडेड है. इट विल स्टॉप ओवर देयर. दैट इज स्लाइसिंग. डिस्प्ले द अल्फाबेट्स ई टू पी फ्रॉम द सीरीज इंग्लिश अल्फाबेट. सो ई टू पी आपको दिखाने हैं. ई टू पी दिखाने के लिए हमारे पास जो इंडेक्स है वो तो नंबर्स में है, 0, 1, 2, 3 की फॉर्म में. तो आप उसको कैसे दिखा सकते हो, इंग्लिश अल्फा ए पी सी डी ई 0, 1, 2, 3, 4. सो 4 से हम शुरू करेंगे. सो ताकि फिफ्थ अल्फाबेट से वो शुरू करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी. ठीक है, तो पी मेरा कहाँ तक जाएगा, ये मैं ऑलरेडी 4 से शुरू कर रही हूँ. तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक दिखाना है. तो मैं यहाँ 16 लिखूंगी. सो आई विल राइट 4:16. तो वो इंडेक्स 4 से लेकर इंडेक्स 16 तक के अल्फाबेट्स को दिखा देगा, मतलब 15 तक के अल्फाबेट्स को दिखा देगा जो होंगे ई से लेकर पी तक. डिस्प्ले द फर्स्ट 10 वैल्यूज इन द सीरीज इंग्लिश अल्फाबेट. अब फर्स्ट 10 वैल्यूज दिखानी इजी है. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 0:10. तो 0:10 स्लाइसिंग से भी फर्स्ट 10 वैल्यूज आएंगे. और दूसरी ऑप्शन जो है वो है हमारे पास हेड. सो वी कैन राइट हेड 10. सो हेड 10 विल ऑल्सो गिव यू द सेम आंसर. ठीक है, ऐसे ही जब आपको लास्ट वैल्यूज दिखाने के लिए बोला गया है तो आप लास्ट वैल्यूज दिखाने के लिए यूज कर सकते हो टेल. सो इट विल शो यू द लास्ट 10 वैल्यूज. डिस्प्ले द एम्प्टी सीरीज, वो तो सिंपल प्रिंट ही हो जाएगा. और उसमें क्या प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं क्योंकि वो खाली है. ठीक है, नाउ 8th क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम सीरीज. डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द मंथ्स 3 through 7 फ्रॉम द सीरीज मंथ डेज. तो इसमें आपको मंथ नेम्स ही मेरे क्या थे, इंडेक्स थे. तो मंथ डेज मंथ 3 जन फेब मार्च. तो इसको करने के दो तरीके हैं. आप ऐसे कर सकते हो कि मार्च से जुलाई तक सबको दिखा दो, या फिर आप लिख सकते हो मंथ डेज. 3 मंथ है तो वी शुड राइट 2, और 7 तक दिखाना है तो शुड राइट 7 ओनली. यू शुड राइट 7 ओनली क्योंकि फिर वो 2, 3, 4, 5, 6 को दिखाएगा. 2, 3, 4, 5, 6 आपका थर्ड से लेकर 7th मंथ हो जाएगा. सो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हम इंटेजर इंडेक्स देते हैं अपर इंडेक्स एक्सक्लूडेड होगा. सो जब भी आप इंटेजर इंडेक्स दोगे अपर इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड, लेकिन जब आप टेक्स्ट में इंडेक्स दोगे इट इज इंक्लूडेड. सो ये इंडेक्स इंक्लूडेड होता है, इसमें अपर इंडेक्स एक्सक्लूडेड होते हैं. डिस्प्ले द सीरीज मंथ डेज इन रिवर्स ऑर्डर. सो इफ यू हैव टू शो इट इन रिवर्स ऑर्डर, आपको क्या लिखना है, प्रिंट मंथ डेज :-1. सो प्रिंट के साथ दे देंगे मंथ डेज :-1. सो :- मतलब पूरी सीरीज चाहिए, और -1 का मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ चाहिए. सो रिवर्स चाहिए आपको. सो -1 मीन्स वी वांट इट इन रिवर्स ऑर्डर. सो -1 से आपके पास वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा. सो दीज वर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन
सीरीज एंड नाउ वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेटा फ्रेम. सो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके वो डेटा फ्रेम के ऊपर बेस्ड हैं. सो नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम सेल्स कंटेनिंग ईयर वाइज सेल्स फिगर फॉर फाइव सेल्स पर्सन इन INR. यूज द ईयर एज कॉलम लेबल एंड सेल्स पर्सन नेम्स एज रो लेबल. ठीक है, तो आपको डेटा फ्रेम दिया हुआ है और आपको कहा है कि इसका कोड लिख के दिखाएं. अब देखो इस कोड में ये आपको नहीं बोला गया है कि आपको इसे लिस्ट ऑफ लिस्ट से बनाना है या आपको इसे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बनाना है या डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बनाना है. इट इज नॉट मेंशन्ड हाउ यू एक्चुअली हैव टू क्रिएट इट. तो आप इसको किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हो. मुझे जो सबसे कंफर्टेबल तरीका लगता है वो है आपका डिक्शनरी ऑफ लिस्ट. ठीक है, सो हमने इम्पोर्ट पांडास एज पीडी कर लिया. अब आपको ये सारा चीज डेटा जो है वो लेना है एज अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट. तो मैं कैसे लूंगी, मैं हर कॉलम को एक डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट मान लेती हूँ. तो मैंने यहाँ पर लिया डेटा इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट में मेरी पहली की है 2014. 2014 पे वैल्यूज क्या है, 100.5, 150.8, 200.9, 30,000, 40,000 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. फिर कॉमा, फिर आ जाएगा 2015. फिर 2015 की आप वैल्यूज ले लोगे 12,000, 18,000, 22,000, लाइक दिस लेते जाओ. फिर ऐसे ही 2016 की वैल्यूज ले लेंगे, ऐसे ही 2017 की वैल्यूज ले लेंगे और डिक्शनरी बंद हो जाएगी. एंड देन सिंपली यू क्रिएट योर डेटा फ्रेम. सो डेटा फ्रेम का नाम हमेशा क्वेश्चन में पढ़ लेना कि क्या बोला गया है. तो उन्होंने बोला है सेल्स बनाना. तो सेल्स इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम. डेटा का डी कैपिटल, फ्रेम का एफ कैपिटल. सो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ब्रैकेट में जो भी आपने डिक्शनरी का नाम है आप वो दे देंगे. कॉमा, इंडेक्स इज इक्वल टू. सो इंडेक्स अब आपका क्या होना चाहिए, ये जो सारे नाम थे मधु, कुसुम, किनोश, मतलब जो भी नाम है वो सब आप यहाँ पर दे दो. सो दैट्स इट, योर डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड. तो इसका जो प्रॉपर कोड होगा डेटा फ्रेम बनाने का वो चलाकर भी देखोगे. And you're going to send me the code to create this data frame. तो आपको ये data frame create करने का जो code है ये मेरे को भेजना है, लिख के उसकी picture click करके या copy paste करके आप भेज सकते हो. So that I can check कि हाँ आप data frame सही से बना रहे हो, क्योंकि आपको एक ना एक question तो data frame बनाने का आएगा ही. अब इसके बाद यही questions दिए हुए हैं जो हमें इसी data frame के ऊपर perform करने हैं. So we have so many questions जो इसी data frame के ऊपर हमें करने के लिए कहे गए हैं. So, ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं विच आर बेस्ड ऑन द डेटा फ्रेम, ऑल दीज क्वेश्चंस वी विल बी सॉल्विंग इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक आप इस डेटा फ्रेम को एग्जीक्यूट करके देखिएगा वेदर यू आर एबल टू क्रिएट इट और नॉट. एंड यू कैन गो थ्रू दीज क्वेश्चंस वंस बिफोर वी सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट?